अब चाहे वेट लॉस जर्नी हो या जिंदगी, हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है। आज मैं करीब करीब 10:30 बजे ऑफिस से वापस आई। मुझे खाना था कुछ हेल्दी और घर में भी वैसा कुछ नहीं था, तो मैं जब वापस आते ये मसाला ओट्स खरीद के लाई। ये मेरा एक शॉर्टकट रेसिपी होता है जब भी मुझे लेट हो जाता है। पैन में मैंने थोड़ा सा तेल दे दिया, इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया। मैंने इसे अपने स्टाइल से बना रही हूँ। मसाला ओट्स आप ऐसे भी बना सकते हो। जो भी सब्जियां मेरे घर पे पड़ी थी मैंने उनका ही इस्तेमाल किया है, बिना सब्जियों के भी ये अच्छा लगता है। गाजर में थोड़ा नमक मैंने डाला है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नमक जो है वो मसाला ओट्स में होता है। ओट्स हमारे गट हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। पेट साफ करने में ये हमारी मदद करता है, गुड बैक्टीरिया को हमारे पेट में बढ़ाता है और इवेंचुअली वेट लॉस में भी हमारी मदद करता है। तो जब भी मुझे लेट हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं ओट्स बना लेती हूँ ताकि मैं जंक फूड की क्रेविंग को रोक सकूँगा। 10-15 मिनट के अंदर मेरा एक हेल्दी सा मील देखिए बन के रेडी हो चुका है। अब इसको कुछ देर के लिए मैं गाढ़ा होने तक वेट करूंगी। थोड़ा सा गाढ़ा ओट्स मुझे अच्छा लगता है, ऐसे पतले भी आप ले सकते हैं। ओट्स के साथ थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे एक का ऑमलेट बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा तेल मैंने पैन में डाला है, जिस तरीके से नॉर्मल ऑमलेट बनता है वैसे ही मैं बनाऊंगी। आप अगर अपना वेट लॉस जर्नी करते हैं तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप हर एक मील में अपना प्रोटीन ज़रूर ऐड करें, क्योंकि प्रोटीन आपको क्या करता है कि वो भूख लगने नहीं देता है, पेट को भरा रखता है। और जितनी कम भूख लगेगी, जितनी क्रेविंग्स कम होगी, वेट लॉस भी उतनी तेज़ी से होता है। तो ये था आज का मेरा 10 मिनट के अंदर बनने वाला एक बहुत ही स्वादिष्ट वेट लॉस थाली। तो अभी बज रहे हैं 11:15 और अभी मैं डिनर करूंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना।